हाय श्रेन, लुक वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर सेम टॉपिक। लास्ट क्लास मैंने कहा था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक, बट लुक हमने इस टॉपिक में हमने फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए थे, सॉरी फॉर दैट। देन अभी भी हमारी जो टॉपिक है, इट्स अगेन वी आर हियर टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सेम प्रॉब्लम विद द एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है बेटा, तो आज के क्लास में हम कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं मिस कर गया था। हमने सिर्फ अभी तक क्लासेस में क्या बात की है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। उसके अलावा बेसिस बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर आप लगा चुके हैं। एंड इस लास्ट टॉपिक हमारी है कि जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन, हाउ कैन वी सॉल्व द फिगर बेस्ड क्वेश्चन। एंड अगेन आज के हमारी टॉपिक वही है, सेम लुक बिटा। फिगर बेस्ड क्वेश्चन में भी हमें फिगर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को ऑब्जर्व करिए। मोस्टली वी हैव इट्स फाइंड आउट फाइंड द एरिया ऑफ सैटर रीजन, और कभी कभी हो सकता है कि एरिया ऑफ अनसैटर रीजन भी आपसे पूछ दें। तो सैटर एरिया आपको जो एरिया ऑफ सैटर रीजन वो कैसे मिलेगी, किस में से किसको माइनस सबसेट या ऐड करेंगे, वो सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वी हैव वन ऑफ द क्वेश्चन इज दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। वी हैव ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए, फाइंड द एरिया ऑफ सैडर रीजन इफ ए बी इज्कवल टू 6, बी सी इज्कवल टू 10 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड वी हैव टू टेक पाई इज्कवल टू 3.14। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या गिवन हमारे पास, वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ओ, ठीक है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, इट्स अ राइट एंगल एट ओ। अब ये है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ओ, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेंटर रीजन इफ ए बी इज इक्वल टू 6, बी सी इज इक्वल टू 10, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वी हैव वन ऑफ द सर्कल, we have in circle with center O, then we have to find out the area of shattered region। ये हमारा shattered portion है, इस portion के बिना हमें area निकालनी है, ठीक है। look ठीक है, figure सामने हमारे पास circle, right angle triangle है ABC, right angle है O, there is a in circle with center O, we have to find out the area of सेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, देन वी हैव टू बी कैलकुलेटेड। लुक इट्स गिवन दैट वी हैव टेक हियर व्हाट ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल इन विच इट्स टेक द फिगर लुक लाइक वी हैव दिस इज आवर ए बी, दिस इज सी, देन वी हैव टू चेंज वैल्यू बी सी 10, देन ऑफकोर्स बी सी में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट वी हैव टेक ए बी इज इक्वल टू 6, तो ये 6 हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये अननोन है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब द वैल्यू ऑफ ए सी हाउ कैन वी गेट, वी गेट दिस इज आवर, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज आवर हाइपोटेन्यूस, देन वी हैव ए सी इज व्हाट, बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। नाउ बी सी स्क्वायर, वी हैव अ बी सी इज व्हाट 10 स्क्वायर, देन वी गेट 100 माइनस ए बी स्क्वायर, देन 6 स्क्वायर इज 36, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ए सी इज व्हाट, इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ 64, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ए सी इज 8 सेंटीमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ ए सी, वी गेट द वैल्यू ऑफ ए सी इज व्हाट, हमने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो 8 सेंटीमीटर है। नाउ लुक बेटा, ये क्लियर है कि हमें जो एरिया ऑफ सेंटर रीजन निकालना है उसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली बाई यूजिंग वॉट, हाफ बेस इंटू हाइट, बट वी हैव टू बी सबस्ट्रेट द एरिया ऑफ दिस सर्कल। टू गेट द एरिया ऑफ दिस सर्कल वॉट वी, वॉट इज द एरिया फॉर्मूला, वी हैव द एरिया फॉर्मूला वॉट, पाई आर स्क्वायर, देन वी हैव टू बी नोन अबाउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेडियस ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि
आप यहाँ से उसको ज्वाइन कर दीजिए, ओ से जहाँ जहाँ पे एसएसटी टच करता है, अलू बेटा अभी टच करता है, तो हमने जो हमारा ये फिगर बनेगा जो भी डी और ई इससे जस्ट बिफोर क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा हो वहाँ पे, तो जनरली जो हमारी फिगर बनेगी ना ओ ई ए डी बेटा, ये आपकी एक कर्व आप उसको प्रूव कर लेंगे बाय कंकॉर्डेंसी कि आपका एक स्क्वायर बनेगा। अगर हमने ये एक्स लिया तो ऑब्वियसली जो ये भी क्या होगी, ये एक्स होगी और ये भी क्या हो जाएगा, एक्स होगा। अगर ये एक्स होगा तो जो हमारा डिस्टेंस डी सी है, लोग ये देखिए अभी आपने ये एक्स है, ये टोटल सिक्स था, ये हमारा जो लेंथ होगा बी ई, जो लेंथ होगा बी ई वो हमारा सिक्स एक्स, सिक्स माइनस एक्स होगा। अगर यही डिस्टेंस हमारी क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, हमने इस डिस्टेंस को एक्स लिया तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस एक्स। अगर बी सिक्स माइनस एक्स है तो बी सी भी उसके इक्वल होगा, देन द वैल्यू ऑफ बी सी इज ऑल्सो सिक्स माइनस एक्स, बी सी की वैल्यू भी सिक्स माइनस एक्स हो जाएगी बेटा, ठीक है। नाउ अगर बी सी सिक्स माइनस एक्स है, ये डिस्टेंस सिक्स माइनस एक्स है, तो आपका ये क्या आएगा फिर, अगर ये डिस्टेंस हमारा हमने ले लिया तो अगर इसको माइनस करें टोटल डिस्टेंस टेन, टेन माइनस सिक्स माइनस एक्स, तो ये आपको क्या आएगा बेटा, एक्स प्लस फोर आएगा, ये एक्स प्लस फोर है तो ये भी आपका एक्स प्लस फोर होगा। अभी हमने मेजर किया है, क्या निकाला है, द लेंथ ऑफ ए सी एट ऑन द ए सी, अब ए सी पे चलते हैं, अब ए सी कैलकुलेट करते हैं तो ए सी हमारी क्या है, सी डी प्लस ए डी, सी डी को हमने भी एक्स प्लस फोर फाइंड आउट किया है, ए डी हमारा एक्स है और इसकी वैल्यू क्या है, इट्स इक्वल टू एट, देन टू एक्स इज इक्वल टू एट माइनस फोर, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू सेंटीमीटर। ठीक है, जो x की वैल्यू है हमने फाइंड आउट कर ली, इट्स 2 सेंटीमीटर, वही हमारी क्या है, इट्स आल्सो रेडियस ऑफ सर्कल, x इज आल्सो, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नाउ लुक, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। हमने इस फिगर के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने क्या यूज किया, टेंजेंट टू सर्कल भी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, टेंजेंट टू सर्कल कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये पता ना कैसे, आप इसको ऑब्वियसली प्रूव कर दोगे कि आपका जो ये एक्स है ये डिस्टेंस बराबर है बाय यूजिंग यू नो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, आप ओ से ए को ज्वाइन करके उसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लोगे, देन तो जो हमारी एक्स थी वो रेडियस के बराबर होगी। नाउ वी हैव अ रेडियस ऑफ सर्कल, हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल भी है, ठीक है, हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल निकल चुका है, हमारे पास वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आल्सो, देयरफॉर नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देन द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। हाउ कैन यू गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। अभी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा कोई भी इसमें से बेस कोई भी हाइट होगा, इट्स कॉल्ड लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप दोनों लेग्स में से कोई भी एक लेग क्या होगा, या तो उसकी हाइट या उसकी बेस होगी, कैन वी गेट इट्स अ 10, दिस इज आवर व्हाट, हाउ वी गेट 8 एंड 6, 1 बाय 2 इनटू 8 इनटू 6 माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई हियर इज व्हाट 3.14, पाई 3.14 आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ आर इज 2, इट्स अ 2 स्क्वायर। नाउ हियर वी गेट 248, हियर वी गेट 24 माइनस इट्स अगेन 2 स्क्वायर इज 4, देन वी गेट 0.56, 44 16 कैरी 1, 44 5 देन 43 12, 12.56। नाउ 24 माइनस 12.56, हियर वी गेट 0.44, देन 24 माइनस 13 वी गेट 11, देन इट्स 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट वी गेट, वी गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से इसको आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या था, वी हैव वन ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी था, जिसपे हमें इस प्रॉब्लम में हमें वैल्यू गिवन थी, बी सी की लेंथ 10 थी, ए की ए बी की लेंथ 6 गिवन थी, देन
एक इन सर्कल था विद सेंटर हो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन वी हैव टू बी यूज द कॉन्सेप्ट टू गेट दिस सेंटर रीजन वी हैव टू बी यूज द कॉन्सेप्ट वी हैव टू बी सबस्ट्रेक्ट द एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम द एरिया ऑफ ट्रायंगल To get the area of circle, we have to find out the radius of circle here. To get the radius of circle, we use the tangent concept. We are going to joining OD and OE, taking the value of OD is x and OE is x. Then this is our x, then this is our x also. Then AD is x, then we have also E is x. Our OD, A, E is a what? It's just like a square. आप उसको दिखा सकते थे. Now If our A is x, then the value of B is what? 6 minus x. If this is B is 6 minus x, then also we have BC is what? 6 minus x. Then we get this. Look, यहाँ थोड़ा सा value पे A, B, C, यहाँ पे हमें D लेना पड़ेगा. We get A, B, then we have to take this is BD. वहाँ पे हमने इसको C ले लिया, same point. Then we get BD is our 6 minus x. वहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है नेमिंग के साथ देन आवर हाउ गेट ए सी इट्स अगर ये 6 माइनस x होगा तो बेटा ये डी सी भी हमारा क्या हो जाएगा इफ आवर बी डी इज दिस इज आवर बी डी देन बी डी आवर 6 माइनस x देन आवर सी डी इज और 10 माइनस 6 माइनस x 4 प्लस x अभी हमारा सी डी 4 प्लस x आएगा तो आपका अगर ये सी लुक यहाँ पे ये डी इसको एफ लेना पड़ेगा बी ले लिया देन वी हैव बी एफ देन वी हैव दिस इज आवर बी एफ ये पॉइंट एफ क्योंकि ये पहले थी सॉरी फॉर दैट अब वी हैव बी एफ 6 माइनस एक्स सी डी 4 प्लस एक्स ये लेंथ 4 प्लस एक्स है तो ये भी 4 प्लस एक्स है एसी की वैल्यू आपने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर ली थी इट्स ए अब वो वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं x + 4 + x इज a देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर इज 2 सेंटीमीटर जो हमारा x है वही हमारा रेडियस है देन वी हैव गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस इज व्हाट 2 सेंटीमीटर हाउ वी यूज द फार्मूला टू गेट द एरिया ऑफ सेंटर रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल देन वी हैव इट्स अ 1/2 * 8 * 6 2 into 4, then we get the area of triangle is 24 square centimeter, and area of circle is what pi r square, we have to use the value of pi is 3.14, and the value of radius is 2, then we get 2 square is 4, then we get the, its value is 12.53, then the area of center region is equal to 11.44 centimeter square, ठीक है बेटा, चलिए बस next question लेते हैं In the given figure, if three circles each of radius 3.5 cm are drawn in such a way that each of them touches the other two, find the area of saddle region closed between these three circles. अब इस जो next problem है उसके according अगर figure draw करते हैं कि वो circles आपस में touch कर रहे हैं ठीक है ये हमारी कुछ फिगर है देन इन द गिवन फिगर थ्री सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 रेडियस दे रखी है हर एक की क्या दे रखी है इट्स अ 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन सच वे दैट ईच ऑफ देम टचेस द अदर टू फाइंड द एरिया ऑफ साइडल रीजन इंक्लोज बिटवीन दीज थ्री सर्कल्स This three circles means इस region की बात कर रहे हैं ये हमें we have to find out this area of this region जो आपके तीनों circle के ये बीच में जो इस तरह touch करे आपस में ये हमें ये region की area निकालनी है now how can we get this region
कैसे निकलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके सेंटर्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, इनके सेंटर्स को आप ज्वाइन करा दीजिए। लुक द नेम ऑफ द सेंटर्स ए बी सी, इनके सेंटर्स के नाम दे दिया। देन लुक, ये डिस्टेंस हमारी 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है। मीन्स कह सकते हैं व्हाट वी हैव फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, इस फिगर से क्या क्लियर हो गया? फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर दैट ऑब्वियसली क्लियर हमारी ट्रायंगल क्या है, ए बी सी हमारी क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होगा लेंथ ऑफ साइड, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू सारे की साइड क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक, अभी तो हमने एबीसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर लिया। अभी देखो यहाँ से अगर बात करें तो ये सारे क्या बन रहे हैं, ये सारे ये क्या है, ये फर्स्ट सेक्टर है जिसका सेंटर बी है, ये भी सेक्टर है, ये रीजन भी आपके एक सेक्टर है जिसका सेंटर ओ है, ये रीजन भी एक सेक्टर है जिसका सेंटर सी है। मीन्स हम अगर क्या करें टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेंटर रीजन, अगर हम क्या करें इस ट्रायंगल के एरिया में से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर्स, अगर इनके एरिया को अगर हम क्या करें सब्सट्रैक्ट कर लें, ऑब्वियसली एक लेटर ट्रायंगल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल प्रूफ करें तो सारे के सारे एंगल 60 डिग्री बनने वाले हैं, ये भी क्लियर है हमारे पास। ठीक है, और क्या हमारे पास व्हाट वी हैव, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। मींस टू गेट द एरिया ऑफ सेंटरेशन हम उसमें से क्या करें टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेंटरेशन, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में से ये जो हमारे सेक्टर्स है ये सारे सेक्टर्स इक्वल एरियाज के हैं, तीनों सेक्टर्स के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं गेट द एरिया ऑफ सेंटर रीजन। नाउ देन चलिए ऊपर पे, एंड नाउ एरिया ऑफ सेंटर रीजन इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ, देखो तीनों सेक्टर्स के एरिया सेम है तो माइनस क्या करते हैं, माइनस 3 times एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये तीनों सेक्टर्स की सेम एरिया होगी तो ये रेडियस सेम होगा 3.5, एंगल भी सेम है, माइनस 3 into एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर। नाउ टू गेट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हाट इज फॉर्मूला फॉर इट, देन यू कैन गेट √3/4 into साइड स्क्वायर, व्हाट इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, इट्स अ 7 √3/4 into 7 स्क्वायर माइनस 3 into एरिया ऑफ सेक्टर 3 into π, और टू गेट द एरिया ऑफ दिस यूज वी हैव टू बी यूज द वैल्यू ऑफ पाई, इट्स 22/7, देन 3 into π r² थीटा, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, देन पाई 22/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, इट्स 3.5 π r² थीटा, वी हैव अ सेक्टर एंगल 60 डिग्री अपॉन 360। ठीक है बेटा, देन नाउ इट्स 60/6, ये हमारा 6 आ जाएगा, देन नाउ लुक इट्स 3 एंड दिस इज आवर 2 6, नाउ हियर वी गेट 7² = 49। नाउ वी हैव टू आल्सो यूज द वैल्यू ऑफ √3 देयर। ठीक है, अगर नहीं कर √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो √3 को टर्म्स में छोड़ देते हैं, तो लुक हियर वी गेट 7² = 49 into √3/4, और इधर हमारा आएगा सॉल्व होगी, इधर वी गेट इट्स 6 into 6, देन 3 to 6 7 into 2 7 को भी कैंसिल कर देंगे, इट्स 3.5 0.5, देन नाउ फाइनली वी हैव हियर 22 into 3.5 into 0.5, 22 into 3.5 0.5, वी टेक 7 से 3.5 को कैंसिल कर दिया एंड डिवाइडेड बाय दिस 2 से करेंगे तो वी गेट दिस इज 11, करके लिखते हैं अब यार 11, देन फाइनली हमारे पास क्या है 49 into √3/4 माइनस 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 into 0.5, देन वी गेट 17.5, देन वी गेट 1.75 into 11,
then we get 11,555, 11,775, 8,28, then we get 19.25. output कर लेते हैं, it's a 19.25. then what is our answer? The our required answer is what? आप it's a what? अगर हम LCM लेके भी solve करें, 1/4 common कर लें, तो it's a 76, 77. then finally we can write down it. अगर आप इसको multiply करके इसको solve कर लें, and the value of this saddle region is given by 49√3 minus it's a 4 into this 77/4. It's a in the centimeter, a square centimeter. Further आप चाहो तो इसकी value को root 3 की value को 1.73 put करके भी आप solve कर सकते हो. ठीक है बेटा, चलिए अब next question को देखते हैं. Now we are going to take next question. Now we are going to take a next question. Again we have here is that in given figure an equilateral triangle has been inscribed in a circle of radius 6 cm. Find the area of shaded region. In given figure an equilateral triangle has been inscribed in a circle of radius 6 cm. Again we have a circle, then inside the circle we have one of the triangle we given it. We have given the triangle is what? It's an equilateral triangle. We have a given our triangle ABC is an equilateral triangle. It's given that the radius of circle. It's given that R is equal to 6 here. We have a center O there. R is equal to 6 cm. Then we have to find out the area of this shaded region. Theta. हमें यहाँ पे एरिया ऑफ सेंटर रीजन निकालना है. तो नाउ हाउ कैन वी गेट दिस एरिया ऑफ सेंटर रीजन? तो इस सेंटर रीजन की एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव एरिया ऑफ सेंटर रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, अगर एरिया ऑफ सर्कल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. हाउ कैन वी डू? तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेंटर रीजन, व्हाट वी डू, वी हैव टू बी डू दैट इन द एरिया ऑफ सर्कल वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर इट्स द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज गिवन 6 सेंटीमीटर, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ पाई वी हैव टू बी यूज 3.14. नाउ टू गेट द एरिया ऑफ सर्कल व्हाट वी हैव, पाई आर स्क्वायर देन वी हैव 3.14. R, we have given 6. We have 6. Now, to get the area of the triangle, we need. We have a need there. What is? To side. Because the area of the. To get the area of the triangle, we have the formula is what? It's a root 3/4 into side square. Then, first of all, we have to get the side of this. Now, to get side, this BC, we have to do some work there. Now, first of all, go to joining OB and OC. When you are going to join this OB and OC, देखिए अब सारी basic concept 9th की भी आ रही है, इसमें add हो रही है. Now, what about the angle BOC? It's given that this is equilateral triangle. तो ये हमारी क्या? It's our 60 degree. Our triangle ABC is an equilateral triangle. Triangle हमारा ABC क्या है? Equilateral triangle है. अगर ये 60 degree है, देखो ये BC है. Same center पे क्या करेगी? Just double angle form करेगी. Then our angle is what? It's a 120 degree. तो इस सेगमेंट से जो हमारा सेंटर पर एंगल बनाता है, जो कॉर्ड बनाता है, वो क्या बनाता है? वो डबल बनाएगा. दिस इज आवर इक्विलेटरल ट्रायंगल. देन एंगल बीएसी इज 60 डिग्री. देन एंगल बीओसी इज व्हाट? 120 डिग्री. देन आवर एंगल बीओसी इज व्हाट? 120 डिग्री. देन वी गेट द एंगल बीओसी. इन क्या करते हैं, सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. अब ड्रॉ करेंगे देन ओई. ओई क्या करेगा बेटा? ओई हमारा कॉर्ड बीसी को बाइसेक्ट करेगा. देन आवर दिस perpendicular OE bisect the chord BC. Now look, it is our 6 given there. Ye hamara 6 hai. Theek hai. Now we agar ye draw kiya hai, theek hai, ye hamara 60 degree hai, hoga. Jaise is chord ko draw karenge, obviously hum isko ye angle bisector draw kar diya, jo ki us pe centers dalo ko perpendicular bisect bhi karta hai.
देन टू हाउ ये हमारे पास 60 है, हमारे पास 60 की पता है। नाउ इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे हमारी 60 है उस पे हमारा ये हाइपोटेनस है 6, ये एंगल 60 है, हमको ये क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। नाउ व्हाट वी हैव sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस बी टू द ओबी मीन्स रूट 3/2 इज इक्वल टू बी ई, ओ बी हमारी रेडियस है, इट्स वैल्यू 6, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ बी ई इज वॉट 3√3, बी की वैल्यू क्या मिल गई बेटा 3√3। तो हाउ कैन वी गेट द लेंथ ऑफ बी सी, इट्स जस्ट डबल क्योंकि कॉर्ड आपके पास सेट होती है। देन वी गेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, आप किसी तरीके से भी उसको हमने ज्योमेट्री तरीके से पता कर ली। Now we get the side of this equilateral triangle is what? 6√3. अभी हमारे पास side आ चुका है। Now what is the form of area of the triangle? It's a √3/4 into side square. It's a 6√3 whole square. ठीक है बेटा? Now 36 into 6 square 36 into 3.14 then minus what? Here what we get? We get root 3 square is 3, 3√3, 6, 3, 18 √3 by 4. Again, we have to check that कि root 3 की value उन्होंने दी है कि नहीं दी है। यहाँ पे भी उन्होंने root 3 की value नहीं दी है, तो root 3 के terms में छोड़ सकते हैं या root 3 की value 1.73 भी आप put कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं इसको। It's a 2 to 4, 2 9 18, ठीक है। Now it's a 36 का multiply कर लेते हैं 3.14 से, 3.14 into 36, it's a 6 4 24 2 8 6 3 18, then a 4 3 12 2 1 3 3 9, then we get 4 8 2 10 9 4 13 11, then we get आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, इट्स माय अपोलॉजी टू यू। तो वी गेट इट्स 113.04 माइनस 9/2, वी टेक द वैल्यू ऑफ रूट 3 इज 1.732 ले लेते हैं, 2 से डिवाइड हो जाए, देन इट्स 113.04 माइनस 9 इनटू दिस इज व्हाट 0.8, 2 8 16 2 6 12 2 6 12, देन वी गेट नाउ 113.04 माइनस व्हाट वी गेट दिस 9 6 54 5 कैरी 5 9 59 5 कैरी 9 72 77, then we get 7.794, then 113.04 minus 7.794, then we get 10 minus 0, it's a 6, 4, 2, 5, then we get what, it's a approx, we get 105.246, it's a centimeter square, अगर रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है तो व्हाट वी गेट, वी गेट ठीक है रूट 3/4 इनटू साइड स्क्वायर। लुक बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हमने रूट 3 का तो 3 कर लिया, 636 3, देन वी गेट 108, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसे करेक्ट करना पड़ेगा, तो अदरवाइज सारी वैल्यूज सही थी। वी हैव टू बी यूज हियर, यदि यहाँ पे हमने 6 रखा 36 करना चाहिए था, तो इट्स नॉट 18, इट्स मे बी 108, तो ये वैल्यू तो सारी चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो सारा जीरो जाना पे। ठीक है, तो इट्स 36 इंटू 3 108 रूट 3 अपॉन 4। ठीक है बेटा, देन वी गेट इट्स 2 2 5 10 54, देन इट्स 27 इंटू रूट 3, वैल्यू पुट कर लेते हैं 27 की, 27 रूट 3 अब लेते हैं, कैंसिल हो गया, इट्स 1.73 लेते हैं, 27 इंटू 1.73 इंटू 27 73 21 2 5 12 6 2 3 6 2 7 14, then it's a 1 7 6 4, then we get it's a 46.71. ठीक है, how we get a 113, then it's a
46.71 एंड सबसेट कर लीजिए 113.04 माइनस 46.71 यू गेट 413.1073 एंड 6 इट्स अप्रॉक्स 66.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अप्रॉक्स में आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने लोड शेडिंग की वैल्यू क्या दी हुई है एंड इट्स वी गेट अ 66.33 आपका 0.33 न भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्स में ही काम चल रहा है। ठीक है, और दिस इज फॉर टुडे क्लास। ठीक है, आप ऐसे सिमिलर क्वेश्चन को घर पे लेके आप सॉल्व करिएगा। थैंक्स टू ऑल बेटे।